गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम बैंगलोर टू हैदराबाद नाउ। टाइम इज 2:28 एंड अपना जो किलोमीटर है उसको कर देते हैं जीरो। ट्रिप वन तो मैं इतना जल्दी इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ट्रैफिक नहीं रहता है एंड मोर ओवर 8 या 9 बजे के बाद में इवन मेन रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। और मैं जा रहा हूँ हाईवे से तो वहाँ पे क्या ट्रक वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आई वॉन्ट टू अवॉइड दैट। 8-9 बजे तक अगर मैं 400 किलोमीटर भी कवर कर रहा हूँ देन दैट इज़ वेल एंड गुड। उसके बाद में मैं आराम से एक दो ब्रेक भी अगर मैं लेना चाह रहा हूँ तो ले सकता हूँ। बिकॉज मुझे आई थिंक सिटी से निकलने के लिए ही ऑलमोस्ट मोर देन 45 मिनट लग जाएगा, इवन दो देयर इज़ नो ट्रैफिक। बिकॉज यहाँ से जो मेन रोड है मेरे घर से ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 30 किलोमीटर है, मतलब हाईवे की बात कर रहा हूँ मैं, एयरपोर्ट रोड जो है। अरे नाइट ಅದು ಐ ಜಾಡಾಗ ನೈಟ್ ಅದು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಕ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಐದಳು ಅಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಬತ್ತಿದ್ವೇನಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ ಸಾಕ ಹಾ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದೇನ ಫಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ टैंक इज फुल नाउ। आई होप अनदर 400 किलोमीटर तक हमें पेट्रोल टैंक फुल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मैंने फर्स्ट ब्रेक लिया है 247 किलोमीटर के बाद में। अब मुझे लगता नहीं कि मैं कोई ब्रेक लूँगा, सीधा हैदराबाद पहुँच के हम रुकेंगे क्या, घर आ जाएगा। तो अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 340 किलोमीटर ऑलमोस्ट, तो 340 किलोमीटर मुझे एक बार सिर्फ पेट्रोल भरवाने के लिए रुकना पड़ेगा, बाकी रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिक्कत क्या हुआ, जैसे ही आप बेंगलोर से निकलते हो तो 100 किलोमीटर के बाद में 3-4 ऐसे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं विदाउट एनी लाइनिंग, कोई लाइन नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है कि आगे स्पीड ब्रेकर है, कुछ भी नहीं है। मैं 85 की स्पीड पे था, 85 की स्पीड पे इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर, बड़ा वाला है सिंगल स्पीड ब्रेकर, उसके ऊपर ऐसा कूदा है गाड़ी, मतलब मैं लकी था कि बच गया। एंड ये सोचो कि ऐसे हाईवे पे स्पीड ब्रेकर कौन बनाता है, कौन बनाता है स्पीड ब्रेकर। मैं आपको सीधा मिलता हूँ आई थिंक एक 200 किलोमीटर के बाद में, तो 247 हो गए, 248 हो गए, आई थिंक 350 में मुझे एक बार इसको फ्यूल अप कराना पड़ेगा। चलो मैं आपको मिलता हूँ आगे। स्पीड 125 या 120 या 130 कुछ जा रही है, लेकिन वो स्पीड पे भी बाइक इतनी स्टेबल है, ऐसा अगर आप हिला दोगे ना बाइक को तो नॉर्मली जो बाइक होती है ना हिल जाती है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हिलती है, बिल्कुल भी नहीं हिलती है। ये क्या हो गया भाई, ये आ गया
ಸೋ